सीकर जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि यहां गुरुवार को कुछ बदमाशों ने आर्मी की तैयारी कर रहे युवक पर एसिड अटैक कर दिया। हमले के बाद युवक चिल्लाते हुए घर की तरफ दौड़ा। वहीं युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे जयपुर के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि घटना जिले के श्री माधोपुर इलाके में सुबह 4:50 की है। पुजारीबाज निवासी विकास पुत्र दीप चंद्र शर्मा आर्मी की तैयारी कर रहा था। सुबह वह साइकिल से लेकर जयरामपुरा के लिए निकला था। घर से करीब 100 मीटर आगे ही किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीठ पर तेजाब फेंक दिया। विकास ने बताया कि अंधेरे में सड़क पर कोई काले कपड़े पहनकर खड़ा था। वह सड़क किनारे कूचों पर छिपा हुआ था। मेरे नज़दीक जाने पर वह बाहर आ गया। जैसे ही मैं उसके पास से निकला तो उसने तेजाब फेंक दिया। तो वहीं विकास ने बताया कि अचानक हुई इस घटना को समझ नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगा कि किसी ने गर्म पानी फेंका हो। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने गर्म पानी फेंका है, लेकिन थोड़ी देर बाद जलन होने लगी। साइकिल से दौड़ता हुआ चिल्लाते हुए घर पहुंचा। लाइट में जाकर देखा तो सारे कपड़े जले हुए थे और कमर भी झुलस चुकी थी। वही घटना के बाद परिवारजन विकास को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद युवक को जयपुर रेफर कर दिया गया। वही मामले की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। युवक के बयान को लेकर मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल बदमाशों का कोई भी पता नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है कि युवक शुक्रवार BSF में जैसलमेर में दौड़ करने के लिए भी जाने वाला था, लेकिन उससे पहले उसके साथ यह दुर्घटना हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।